देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में आज बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने वर्तमान पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ब्राह्मणों को गाली देने वाली है। शुक्रवार को भगवान कृष्ण की नगरी गोवर्धन में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधन के दौरान गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। मिश्रा ने कहा कि बसपा ने तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा गठबंधन जनता के साथ कर दिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी, न कि किसी पार्टी से। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं, हम भी उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत के बारे में उन्होंने कहा कि हम तो बाराबंकी जेल में बंद खुशी दुबे की हर संभव मदद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की नाबालिग विधवा को जमानत दिलवाने को कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं संबोधन में मिश्रा ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। वर्तमान सरकार में आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर प्रहार करते हुए सरकार को नाकाम सरकार बताया। वहीं मिश्रा सरकार पर जमकर बरसे। मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ओर जहां देश की तमाम बड़ी संस्था और कंपनियों को अड़ानी अंबानी जैसे व्यापारियों के हाथ बेचने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर मंदिर और मठों पर कब्जे में लगी हुई है। किसानों की आवाज दबाई जा रही है, काले कानून बनाकर आम जनता और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ब्राह्मणों की आवश्यकता भाजपा जैसी पार्टी को नहीं है। तभी भाजपा के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण आखिर जाएगा कहां, भाजपा के अलावा ब्राह्मण के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ब्राह्मणों को तय करना है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर वोट के वक्त लुभावने वादे कर लूटने वाली पार्टी का साथ देंगे या दलितों और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली बहुजन समाज पार्टी का। 2022 में ब्राह्मण और दलित के सहारे उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी किया। सरकार किसकी बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त सभी पार्टियां ब्राह्मण और दलितों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ विपक्ष में बैठे हुए हैं। 2017 में 80% से ज्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया, कैसे विश्वास करें 10 साल का गैप के बाद दोबारा से? जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, जो इस सरकार ने क्या किया है, इससे उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो, तो ये इसके अलावा तो और ब्राह्मण समाज अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी घोर अपमानित हो रहे हैं, खाली बाहर के नहीं, उनकी पार्टी में तो वो क्यों दे। देखिए कौन क्या करने जा रहा है, पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न हुआ था, चाहे 2003 की सरकार हो, चाहे 2012 की सरकार हो, कि कोई भूल नहीं सकता। और इसीलिए तो 2007 में उनको उखाड़ कर देने का काम किया था, तो ब्राह्मण समाज कभी भी चाहे वो जितना यात्रा कर ले, कुछ पीछे पीछे हमारे अपनी यात्रा लेके अगर आते भी रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सम्मेलन है लेकिन वो तो मूर्ति और उसको मंदिर को लेके जा रहे हैं। देखिए हम लोग जमीन पे कार्य करने का काम, हम लोगों ने कार्य किया है उसका हमने बयान किया। वो लोग खाली झूठे वादे करते हैं, बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बाद आपको ढकेल के बाहर कर देंगे। हम लोगों ने जो कहा जो नहीं भी कहा वो भी करके दिखाया। जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ पर कितने काम हुए वृंदावन मथुरा में, ये भी आप किस नारे के साथ उतर रहे हैं? अब की बार कोई अलग नारा है? कितनी सीटें मिलेंगी सर ब्राह्मणों को, मतलब कितने कार्ड करिए, समय है।